बी फार्म के आप स्टूडेंट हैं और हर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर मैंने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो उसमें मैं बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकूं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है, आपके पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें, और वो जरूरी भी है। उसके लिए आपको कौन से टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट करने हैं आपको मेरे सारे पॉइंट। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है। ओके, सो बी फार्म में पास होने का फंडा 100% आपको पास करवा देगी ये टिप्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, और साथ ही साथ यही टिप्स आपको फॉलो करनी है बिल्कुल क्लियरली। जो चीजें मैं बताऊंगी प्रैक्टिकली अगर वो आप फॉलो करेंगे तो 100% आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे शुड हैव प्रॉपर नोट्स। सबसे पहले तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अब नोट्स क्या होते हैं भाई? नोट्स मतलब आपके पास, आप किसी भी युद्ध में जा रहे हो और उसका हथियार आपके क्या होते हैं? नोट्स होते हैं। आप एग्जाम देने जा रहे हो तो अगर आपको उसमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स, जिन्हें देख के अगर आप एग्जाम में जा भी रहे, सबसे पहले तो आपकी 50% तैयारी जब ही हो जाएगी जब आप वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। उसके बाद आपकी जो बाकी की तैयारी है, बाकी की प्रिपरेशन है, वो जब आप उन्हें रिवाइज करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बिल्कुल 100%। नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, मतलब आपको अपना सिलेबस लेके ही बैठना है, ऐसा नहीं हवा में कुछ भी पढ़ लिया, है ना? अगर आपके सिलेबस में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, अगर आपके सिलेबस में सेल दिया हुआ है, अगर आपके सिलेबस में टिश्यू दिया हुआ है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि सेल के अंदर मुझसे कितना पोर्शन पूछा गया है, टिश्यू के अंदर मुझसे क्या पूछा गया है, उसके टाइप्स हैं या फिर टाइप्स के अंदर का भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर देखनी है, स्ट्रक्चर में उसके पार्ट्स के भी स्ट्रक्चर बनाने हैं क्या, तो ये सारी चीजें आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप एडमिशन लेते ही जिस भी सेमेस्टर में आप हैं आपके पास उसका सिलेबस अवेलेबल होना चाहिए, सिलेबस जरूर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ये भी बहुत हेल्प करते हैं आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से हेल्प करते हैं? अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं उस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, अब वो मिलेगा कहाँ से? कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करती हैं क्वेश्चन पेपर, पर कुछ ऐसी हैं जो कि नहीं करती हैं, नहीं मिल पाते पेपर, लेकिन हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे आपको, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप अगर वहां पे हमें इन्फॉर्म कर देते हैं तो हम आपको उसके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर आपको कैसे हेल्प करते हैं, अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए 2-3 साल के, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस यूनिट से कितना कंटेंट आता है, ठीक है? फिर आप उसी यूनिट को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक आइडिया आपको हो जाएगा। फिर वो क्वेश्चन पेपर देख के आप खुद से कोरिलेट कर सकते हैं कि 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपके सामने हैं, उसमें से आपसे कितने आंसर बन रहे हैं। जितने आंसर आपसे बन पाएंगे उसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन कितने परसेंट है, उससे आप एक एवरेज निकाल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप आंसर शीट लिख रहे हो, तो जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में दिए हुए हैं सारे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, ऐसा नहीं अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं बोलती कि क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन आपसे बनते होंगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा है कोई इशू नहीं है, उसे छोड़ के नहीं आना है, होगा तो आपके सिलेबस से ही, कभी भी पढ़ाओ कुछ भी पढ़ाओ लिख के जरूर आना है, उल्टा सीधा कुछ नहीं लिख के आना उस टॉपिक से रिलेटेड ही, लेकिन अगर प्रॉपर नहीं आ रहा कुछ भी उसके बारे में आना है लिख के जरूर आना है आपको। मार्क्स अगर मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ना मिलने में 2 नंबर इसमें आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर नेक्स्ट है आपका डायग्राम्स, डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एग्जाम को, जो आपके आंसर शीट होती है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उन डायग्राम्स को आपको कैसे बनाना है, उसकी सही ट्रिक क्या है, सही तरीका क्या है? आप देखिए डायग्राम बनाते हैं, जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होती थी, अभी तक आपने एग्जाम दिए होंगे तो, कि पेंसिल से ही आपको ड्रॉ करना है, आपको बताया भी होगा टीचर्स ने कि पेंसिल से ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ
जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे आपको पेन से डायग्राम ड्रॉ करने हैं। अब ऐसा क्यों भाई मैं पेन से क्यों डायग्राम ड्रॉ करूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉपी क्या होती है, स्कैन होती है, और स्कैनिंग में अगर आप पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे तो वो स्कैन अच्छे से नहीं हो पाएगा, वहां आपके कहीं ना कहीं मार्क्स कट सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, बनाना पेंसिल से, ये डायरेक्ट पेन से मत बनाने लगना, पेंसिल से बनाना है जब वो फाइनल हो जाए, और फटाफट उसकी जो आउटलाइन है वो कर देनी है, किससे, पेन से कर देनी है, तो स्कैन भी इजीली हो जाएगा, और आप इजीली अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो वो पेंसिल से जब आप ड्रॉ करेंगे तो इरेज कर सकते हैं इजीली। तो डायग्राम आपको अट्रैक्टिव बनाना है, और साथ ही साथ उसकी जो आउटलाइन करनी है वो किससे करनी है, पेन से करनी है। सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आपको ये हमेशा काम आने वाले हैं, हमेशा काम आने वाले हैं, और ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, और जिन जो लोग इन्हें फॉलो करेंगे सीरियसली वो खुद अपने परसेंटेज में इंप्रूवमेंट देखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आंसर जो आपको लिखना है, आंसर आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। कैसे पॉइंट टू पॉइंट, मैं बता देती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं इमल्शन का। आपको पूछा है इमल्शन और सस्पेंशन, दोनों ही ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब इमल्शन में उसने क्या पूछा, या तो ये पूछा होगा एक्सप्लेन इमल्शन एंड सस्पेंशन, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन इमल्शन एंड सस्पेंशन, या फिर इमल्शन एंड इमल्सिफाइंग एजेंट को आप डिफाइन कीजिए। तो पहले देखना है क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इमल्शन और सस्पेंशन अगर पूछा है, इमल्शन ये होता है, इमल्शन के इतने टाइप होते हैं, इमल्शन किसके कारण चलता है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के कारण चलता है, और ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, और इमल्शन का ये एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को आप एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज को घुमा घुमा के तीन बार लिख देना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन हो जाए बहुत अट्रैक्टिव, और अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आपको इसमें मिलेंगे फुल मार्क्स। ये तरीका क्या है एक क्वेश्चन को तीन बार लिखने का, वो भी मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी, अगर आपकी डिमांड होगी तो। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और मुझसे ये सीखना है आपको कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपको उसके बारे में पता है, सारे पॉइंट्स पता है, पर तीन पेज में वो खत्म हो जा रहा है, तीन पेज से ज्यादा मैं लिख ही नहीं पा रहा, तो उसे 6 पेज में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। उसके बाद है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। जैसे सस्पेंशन है, सस्पेंशन क्या होता है सबसे पहले, फिर टाइप कितने होते हैं सस्पेंशन के, फ्लोक्यूलेटेड डिफ्लोक्यूलेटेड में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के डायग्राम बना दीजिएगा, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें, कोई नंबर नहीं काट सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट, हर क्वेश्चन का या सेक्शन का टाइम डिवाइड करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वॉच आपके पास होनी चाहिए, घड़ी लेके जरूर जाइएगा, वो बहुत जरूरी है। और घर से ही आप, जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब आप उठाएंगे उसे सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें आपको टाइम मैनेज करना है। जैसे आपका, अगर मैं मान के चलती हूँ 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग। वेरी शॉर्ट जो है 20 क्वेश्चन अगर आपके आए हैं या फिर 10 क्वेश्चन आए हैं, शॉर्ट अगर आपके 6 क्वेश्चन आए हैं, और लॉन्ग अगर आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, तो इनमें कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो वो आपका कितने, 1 मिनट से ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए, 1 मिनट में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कंप्लीट, वेरी शॉर्ट, चाहे उसके बाद 20 मिनट जैसे ही हो जाएगा आप वो सेक्शन छोड़ देंगे, अगर सेक्शन के हिसाब से डिवाइड करें। अगर क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, भाई मैं एक क्वेश्चन को देने वाला हूं यहाँ पे कितने मिनट, कम से कम 15 मिनट, 15 से 18 मिनट मैं एक क्वेश्चन को दूंगा और प्रॉपरली उसे लिखूंगा, तो उस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है कि आप टाइम अपने हिसाब से डिवाइड करें और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखने। अगर 15 मिनट हो गए तो आपको 16 मिनट उस क्वेश्चन को नहीं देनी है, आपको वो क्वेश्चन वहीं के वहीं छोड़ देना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम पूरी तरीके से मैनेज होगा और वो ऑटोमेटिक उतने ही टाइम में वो क्वेश्चन आप इजिली कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। पता चलता है बच्चे कर ही नहीं पाते हैं पेपर और टाइम निकल जाता है। उसके बाद आ जाता है अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है आपको, आपको वह याद, तो उसको छोड़कर दूसरे क्वेश्चन पर मूव करें, राइट। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रिक। इसमें क्या होता है कि आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको लग रहा है कि मुझे सेल के बारे में सब पता है, आप एक्साइटेड हो गए, सेल ही मुझे सबसे पहले करना, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया कि सेल माइटोसिस क्या होता है आप भूल गए, क्या होता है, क्या होता है सेल जंक्शन, क्या होता है, वहां अटक गए, तो फिर आपको वहां अटके नहीं रहना है। आपको पता है कि ये मैं एक पेज में लिख लूंगा या फिर मैं 2 पेज में लिख लूंगा, वो स्पेस छोड़ देना है, दूसरे क्वेश्चन को मूव करना है, दूसरे क्वेश्चन पर मूव करना है। अगर आप वहां अपना टाइम खराब कर देंगे तो सेकेंड क्वेश्चन, माइंड की स्ट्रेटेजी क्या होती है,
वो अगर एक चीज आप भूलेंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर भूल जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। अगर वो नहीं आ रही है स्किप करो उसे, थोड़े से टाइम के लिए अपने माइंड को रिलैक्स होने दो। अगर याद आ जाता है आप बाद में उसके बारे में लिख लेंगे। अगर आप सेकंड क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, रिलैक्स हो जाएगा माइंड, तो वो इजीली और ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जो अच्छे से आता है वह क्वेश्चन या फिर वह सेक्शन पहले चूज करें। देखिए जैसे RGPB यूनिवर्सिटी है, वहां पे 8 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 5 आपको करने हैं, बहुत इजी पड़ता है RGPB का। उसके बाद है AKTU यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 3 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो सेक्शन चूज करना है अगर आपके सेक्शंस में है डिवाइड। तो ऐसा नहीं करना पहले ए सेक्शन का एक क्वेश्चन कर दिया फिर दूसरे का 2 क्वेश्चन कर दिए, नहीं। पहले आपको सेक्शन देखना है कि इस सेक्शन से मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पहले वो सेक्शन लो, चाहे फिर उसका पहला क्वेश्चन दूसरे नंबर पे, दूसरा तीसरे नंबर पे, ऐसे कर सकते हो। लेकिन या तो सेक्शन चूज करो वो जिसमें आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो क्वेश्चन अगर पैटर्न आपका ऐसा है कि जिसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन नहीं है सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन दे दिए, 5 अटैम्प करने हैं, अगर ऐसा पैटर्न है तो इसमें आप पहले वो क्वेश्चन की तरफ जाएं जो क्वेश्चन आपको परफेक्टली आता है, पूरी तरीके से आता है। ठीक है, उसके बाद है आंसर्स लिखते समय यह समझो कि आपको टीचर से ज्यादा पता है। अगर ये आपने समझ लिया और ये सोच लिया तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप पढ़ते हैं और फिर जो आप पेपर में जाके लिखते हैं, समझ रहे हो। एक मैंने कहीं पे सुना था, आप पढ़ते किसके जितना है, पूरे ड्रम के जितना पढ़ते हैं, है ना। फिर आपके दिमाग को याद कितना होता है, एक बाल्टी के जितना, और लिख के कितना आप आते हो, जितना आप एक मग होता है मग के जितना लिख के आते हो। तो वो क्या है, लिखते आप सब अपने माइंड से हो, वो माइंड ऑटोमेटिक वो चीजें बना देता है, लेकिन क्या आप वही लैंग्वेज जो आपने पढ़ी थी वही वहां लिख के आते हो। सिर्फ आप वो लिख के आते हो जो आप समझते हो, जो आपका माइंड समझ लेता है। तो आपको ये समझना है कि मुझे टीचर से ज्यादा पता है और जो मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट लिख रहा हूँ। जो आपने पढ़ा है आपको लगता है कि मैंने ये परफेक्ट पढ़ा है और मैं परफेक्ट जानता हूं, तो आपको ये नहीं सोचना टीचर इस पे नंबर देगा या नहीं देगा। जो आपको परफेक्ट लगता है वो आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स है मेरी, ये आपको लास्ट में बता दूं, लास्ट में एक बार सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा से रिवाइज करने हैं। और जो टाइम मैनेज आप ऐसे करेंगे कि 3 घंटे में क्वेश्चन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कम से कम आपके पास 15 मिनट लास्ट के बच जाने चाहिए टाइम इस तरीके से मैनेज करना। अगर 1, 2, 4, 5 मिनट लेट भी होता है तो फिर भी आपके पास 10 मिनट बच जाएगी लास्ट में। जो वो 10 मिनट बचती है उसमें आपको कंप्लीटली दोबारा से चेक करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है तो क्या वो सही है, मैंने आंसर नंबर जो डाला है वो सही डाला है नहीं डाला है, सेक्शन नंबर सही डाला है नहीं डाला है। ठीक है, जो फ्रंट पेज है वो सही से फिल किया है नहीं किया है, रोल नंबर डाला है नहीं डाला है, सारी चीजें आपको एक बार दोबारा से रीचेक कर लेनी है आपके बेनिफिट के लिए। रीचेक जरूर करना है लास्ट में, और कोई क्वेश्चन अगर गलत हो, अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपके पास अभी 10 मिनट है, आप वो इजिली कर लेंगे, तो रीचेक करना भी बहुत जरूरी है। ओके, सो ये हो गई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, इजी है और सारी ट्रिक्स आपको लिख लेनी है। ये ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अब ये तो मैम टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, अब हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बी फार्मेसी के किसी भी सेमेस्टर की, किसी भी सेमेस्टर की आप कंप्लीट स्टडी मटीरियल लेना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी जाके विजिट कीजिए। वहां हम आपको फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और भी पूरा स्टडी मटेरियल। जाके विजिट करें, ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, वहां से जाके चेक कर सकते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।